नमस्कार, डिलीशियस लड़का में आपका स्वागत है। आज हम पालक की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसका स्वाद ऐसा आएगा जिसे आप भुला नहीं पाएंगे, जिसको आपको बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसे झटपट से बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और इसको हमने गरम कर लेना है। जैसे ही घी गरम हो जाएगा, मैंने ली थी 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, उनको छीलने के बाद थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा पहले इसे कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए हल्का हल्का इसका कलर है ना, गोल्डन हो गया है। मैंने ली थी 2 सूखी लाल मिर्ची, उनको छोटा छोटा काट लिया था, उनके बीज को मैंने झाड़ दिया है। इसे भी थोड़ा सा इसमें चला देंगे। अब इन दोनों चीजों को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। मैंने लाल मिर्ची बाद में इसलिए डाली थी क्योंकि जो लाल मिर्ची है ना, बहुत जल्दी हो जाती है और लहसुन को होने में टाइम लगता है। इसमें से थोड़ा सा घी ना मैंने उसमें निकाल दिया था, 1 चम्मच में घी और डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे ये गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी 2 चुटकी ही 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। देखिए अच्छे से जीरा है, सौंफ है, फूल गए हैं। मैंने ली थी 1 प्याज बड़े साइज की, जिसे पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। देखिए इस रेसिपी में ना सौंफ जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के लिए पहले अपने प्याज को भून लेना है। मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा 1 इंच का, उसे पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्ची ली थी कम तीखी वाली, उसको भी छोटा छोटा काट लिया था। देखिए मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा चला देंगे। मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसका फ्लेवर अंदर तक आएगा। थोड़ा सा चला देना है। मैंने लिए थे 2 टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब इन सब चीजों को मिक्स करते हुए ना थोड़ा सा हम टमाटर को पका लेंगे। मैंने ली थी पालक, मैंने 1 गड्डी पालक ली थी, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। उसको मैंने ना बिल्कुल नॉर्मल ढंग से काटा है, ज्यादा बारीक नहीं काटा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, इसके साथ ही जो पालक काट के रखा है वो भी डाल देंगे। ये जो पालक मैंने लिया था ना, ये 1/2 किलो के करीब गड्डी थी। अब गैस को हमने मीडियम करते हुए इसे मिक्स करते हुए हमने थोड़ा पकाना है, ढकना नहीं है, ऐसे खुले में ही पकाना है। ये देखिए जैसे जैसे हम पालक को मिक्स कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये श्रिंक हो रहा है। हमने इसे ढककर नहीं पकाना है, ऐसे खुले में ही पकाना है। मैंने लिया था पनीर, मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर ले लिया था। अब इसको हमने क्या करना है, हाथों से तोड़ना है, कद्दूकस नहीं करना है, क्योंकि कद्दूकस करने से ये ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। हमने थोड़ा मोटा मोटा ही इस ढंग से तोड़ना है हाथों से। आप चाहें तो चक्कू से भी काट सकते हैं। ये देखिए पालक को भी भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। इसका काफी हद तक जो पानी है ना वो सूख चुका है। अब इसमें हम पनीर को भी डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने खुले में ही ना 2 मिनट तक पकाना है। पालक भी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, पनीर तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए 2 मिनट तक इसको हमने भून लिया। अब डालेंगे कुछ और चीजें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैंने ली थी कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ।
अच्छे से इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। देखिए सब चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमने तड़का तैयार किया था ना वो इसमें डाल देंगे फैलाते हुए, लहसुन और मिर्ची का। वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, सर्व करते टाइम इसे जरूर डालें। अब ये हमारा पालक पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है, जिसे आप चपाती के साथ, परांठे के साथ, लच्छा परांठा के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।